गोपीनाथ मुंडे जब उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब अंडरवर्ल्ड का गृह मंत्री भी थे, तो अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए जाना जाता है, उन्हें याद किया जाएगा। कमिश्नर साहब, आपको मेरी तरफ से पूरी छूट है, आप कुछ भी करिए, बट प्लीज क्लीन दिस सिटी। साल 1998 में आई थी फिल्म सत्या। सत्या फिल्म मुंबई पर अंडरवर्ल्ड के साए और फिर अंडरवर्ल्ड के खात्मे की कहानी थी। कहा यह भी जाता है कि बॉलीवुड को सत्या फिल्म बनाने की हिम्मत तभी आई जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा कम हुआ था। मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा कैसा था, इसका अंदाजा लगता है साल 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट से। ये दबदबा कम कैसे हुआ, ये दिखाती हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं साल 1998 की, जहां तत्कालीन गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे एक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। काम करने का यही तरीका हुआ करता था गोपीनाथ मुंडे का, अपराधियों पर सीधी कार्रवाई और पुलिस का मनोबल बढ़ाना। 14 अक्टूबर 1998 को दिया गोपीनाथ मुंडे का ये बयान भी उनके इस जज्बे को बयां कर रहा है। हत्याएं हुई है, ये फैक्ट है, लेकिन टोटल क्राइम जो है स्टेट का गए साल की तुलना से कम है, और अभी तक इस साल में जो हत्याएं हुई है गए 10 साल में वार्षिक इसका एवरेज है 375, और 94 में के पूर्व 3 साल हत्याओं का प्रमाण 91,474, 92,488 और 94 में 687 ये प्रमाण रहा है। उससे हत्याएं कम है और 100 से भी ज्यादा ऑफिसर इसके इन्वेस्टिगेशन में लगाए हैं। ये जरूर है कि गैंग्स का प्रभाव हमने कम किया है, और वो निराशा के कारण ऐसी घटना करने का प्रयास वो कर रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की डी कंपनी के खिलाफ ये लड़ाई सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। साल 1995 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने कामयाबी हासिल की थी। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। इस कामयाबी में और भी मुद्दे थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने राजनीति और अंडरवर्ल्ड की गठजोड़ के खिलाफ मुहिम चलाकर ये कामयाबी पाई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में गोपीनाथ मुंडे का एक मंत्री के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने बंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया था। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग ये मानते थे कि जो है बंबई पर तो सिर्फ जो है अंडरवर्ल्ड की ही तूती बोलती है, जो अंडरवर्ल्ड चाहता है वो जो है वो बंबई में होता है। उसकी जड़ें हर जगह फैली हुई हैं, और गोपीनाथ मुंडे ने तो एक तरह से समझ लीजिए अपने चुनाव प्रचार अभियान में अंडरवर्ल्ड को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। जिस दौरान गृह मंत्री बने थे गोपीनाथ मुंडे, उस दौरान मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था, हावी था शहर पर अंडरवर्ल्ड। तमाम गैंग्स जो है उनकी ओर से शूटआउट्स होते थे, हर दिन एक या दो लोगों को गोलियां मारी जाती थी, गैंगवार होते थे, और बतौर गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे के लिए ये एक बहुत ही चुनौती वाली बात थी, और उन्हीं ने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की रणनीति बनाई जो उनके पद से हटने के बाद, उनकी सरकार जाने के बाद भी जारी रही। ये नीति पुलिस एनकाउंटर्स की थी, मोका कानून जो है उन्हीं के दौरान मोका कानून के बीच बोए गए, और मोका जैसा सख्त कानून ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए तैयार किया गया। ज़्यादातर गैंगस्टरों को उनके कार्यकाल के दौरान या तो मुठभेड़ों में खत्म किया गया, या फिर मकोका जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो तैयार किया गया था उस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। गोपीनाथ मुंडे की खुली छूट का असर ये था कि गोपीनाथ मुंडे के गृह मंत्री रहते हुए इनकाउंटर बढ़ते गए। साल 1995 में 9 इनकाउंटर हुए, साल 1996 में
गैंगस्टर के 58 एनकाउंटर हुए। साल 1997 में 71 गैंगस्टर मारे गए, साल 1998 में 48 गैंगस्टर मारे गए। इसके बाद मुंबई के हालात बदलने लगे। मुंडे की इन्हीं नीतियों को अगली सरकारों ने भी जारी रखा।